Hello friends, welcome to Janita classes for neet, aiims and jipmer. दोस्तों, आज मैं क्लास 9th के बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेक्चर आप लोग को देने जा रहा हूँ। आपने कभी इस वर्ड के बारे में ध्यान से सोचा कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी जीवित प्राणी हैं इस सड़क पे, उनमें क्या विभिन्नताएं हैं? आप कभी अपने आसपास देखो, आप हो या आपके आसपास डॉग्स हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, आपके दोस्त हैं, मंकीज हैं, क्या सब एक जैसे हैं? नहीं। आप देखोगे कि आपके और आपके दोस्त में जो सिमिलरिटीज हैं कुछ ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स, हाथ में उंगलियां, चेहरे का स्ट्रक्चर। आप लोग दो पैरों पे चलते हो, एक डॉग जो होता है वह चार पैरों पे चलता है। आप बोलते हो, आपके जबकि एक डॉग भौंकता है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए एक आधार बनाना है। हमें ये देखना है कि हम उन किन किन चीज़ों को शामिल करें जिससे कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाएँ, जिनकी बेसिस पे हम उन्हें एक ग्रुप में डिवाइड कर पाएँ। हमारे अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि एक व्हेल जो होती है, ब्लू व्हेल, उसकी साइज 30 मीटर तक होती है, जबकि रेड सिकोया ट्री जो कि कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, रेड वुड ट्री, उनकी हाइट 100 मीटर तक होती है, जबकि कुछ प्लांट्स की 100 मीटर नहीं होती है। बहुत सारे प्लांट 1000 ऑफ ईयर्स जीते हैं, जबकि कुछ कम ही जीते हैं। एक गाय 20 साल में ही मर जाती है, जबकि ह्यूमन बींग्स की वैसे तो लाइफ स्पान 100 मानी जाती है, बट प्रेजेंट जो रेशियो है वह 100 का नहीं है। तो इस पूरे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और हमारी जो बॉडी का, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम हैं ह्यूमन बींग, हमारा जो लाइफ स्पैन है वह इतना नहीं है कि हम पूरे जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक एक ऑर्गेनिज्म बने हैं उनके बारे में अलग अलग स्टडी कर पाएँ। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और उनके बीच में जो सिमिलर करेक्टर्स होते हैं उनके एक बेसिस पे एक ग्रुप बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, और फिर हम उस पूरे ग्रुप का एक साथ स्टडी करते हैं, उन करेक्टर्स के बेसिस पे पूरे ग्रुप के बारे में एक साथ जान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग रख करके सभी के बारे में जान पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने में हमारी पूरी ज़िंदगी ही बीत जाएगी। तो जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था उसका जो सबसे पहला प्रयास जो जिसे जाता है वो थे ग्रेट ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटाट की बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया कि ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहता है, कि हवा में रहता है, कि सरफेस पे रहता है, कि या वाटर में रहता है। तो सबसे पहले हम वाटर के बारे में बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, तो वहाँ आपको फिशेस, कोरल्स, स्टार फिश नाम है, लेकिन ये स्टार फिश जो हैं वे रियल फिश नहीं होते हैं। सार्क्स, इन सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में देखेंगे तो ये केवल हैबिटेट की बेसिस पे एक ग्रुप में क्लासिफाइड हुए हैं, जबकि इनके अंदर आपको उस तरह की सिमिलरिटीज देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि हम एक फिश को लेते हैं, ऑक्टोपस को लेते हैं, तो एक फिश में लंग्स गिल्स होते हैं, एक फिश के बॉडी में फिन्स पाई जाती हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जबकि एक ऑक्टोपस को देखेंगे तो रेडुला होता है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए उन्होंने क्या सोचा, और ज़्यादा स्टडी करने के बारे में सोचा गया कि और सोचो और उनके दूसरे जो फंक्शंस हैं उनके बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया जाए। जैसे कि हम जो लिविंग बींग हैं, हम मूव कर सकते हैं, लेकिन एक प्लांट नहीं मूव कर सकता,
तो क्यों नहीं मूव कर सकता? ज़रूर हमारे सेल में भी उस तरह की डिफरेंसेस होंगी। अगर हम मूव कर सकते हैं, एक प्लांट नहीं मूव कर सकता। एक प्लांट अपना भोजन स्वयं बना सकता है, जबकि हमें भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह के पॉइंट्स को देखा जाने लगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका अपीयरेंस कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, मतलब बॉडी का फॉर्म और फंक्शन कैसा है, इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की बात होने लगी। तो इन सभी चीज़ों को सोचने के बाद ये देखा गया कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का सारा काम यूनिसेलुलर जो होते हैं एक ही सेल से कर सकता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। सेल्स एक तरह की नहीं होंगी, वे मॉडिफाइड होके ग्रुप अलग अलग फंक्शन करेंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, टिश्यूज देखने को मिलेगा और डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इन सभी चीज़ें को देख करके लास्ट में फिर एक हायरार्की डेवलप हो गई कि मतलब मैक्सिमम कॉमन फीचर से एक ऑर्डर बनता चला गया लो कॉमन फीचर्स की तरफ। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो पहली बार साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन का आइडिया दिया। 1859 में उन्होंने बुक लिखी जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि हम क्लासिफिकेशन में किन कैरेक्टर्स को शामिल कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पता है दोस्तों, जब हम क्लासिफिकेशन को इवोल्यूशन से जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ ग्रुप्स हैं जिनका जो एंशिएंट बॉडी डिजाइन है वह तो बहुत ज़्यादा बदल गया है, लेकिन उनके एंसेस्टर जो थे वे एक दूसरे से मिलते थे। और बहुत को ऐसा देखा कि एंसेस्टर्स तो नहीं मिलते थे लेकिन आज उनकी बॉडी डिजाइन डिफरेंट है लेकिन फंक्शंस एक तरह का करते हैं, मतलब होमोलागस एनालॉगस ऑर्गन्स देखने को मिले। होमोलागस वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेम एंसेस्टर से उनकी उत्पत्ति होती है लेकिन फंक्शन अलग करते हैं। एनालॉगस वो होते हैं जिनके एंसेस्टर डिफरेंट होते हैं लेकिन उस ऑर्गन से फंक्शन सेम करते हैं। तो हम यहाँ पे दिया गया है मोर टू नो, इसे ध्यान से देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म में कितनी विभिन्नताएं हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एक जो पार्टिकुलर रीजन में पाई जाती है उसे डिनोट करता है। लाइफ फॉर्म्स जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं ये एक ही इन्वायरमेंट में रहती हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, और परिणाम ये होता है कि उस अफेक्ट होने के कारण, एक दूसरे को अफेक्ट करने के कारण लास्ट में एक स्टेबल कम्युनिटी डेवलप हो जाती है जिसमें अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनका अपना अस्तित्व होता है। अगर हम पिछले अतीत में जाके देखें तो ह्यूमंस ने भी अपनी खुद की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस तरह की कम्युनिटीज़ को डेवलप करने में और बैलेंस करने में। जो इस तरह की कम्युनिटीज़ की डाइवर्सिटी होती है वह लैंड वाटर क्लाइमेट काफ़ी करेक्टर से प्रभावित होती है। अगर हम रफ एस्टिमेट में बात करें तो लगभग 10 मिलियन स्पीसीज इस प्लेनेट में हैं, लेकिन अभी तक हम उनमें से केवल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में ही जान पाए हैं। जैसे कि द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अर्थ का जो वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहाँ पे प्लांट और एनिमल लाइफ की एक बहुत रिच डाइवर्सिटी पाई जाती है और उस रीजन को मेगा डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पूरे अर्थ पे जितनी बायोडाइवर्सिटी है पूरे प्लेनेट पे, उनमें से जो हाथ आधे से ज़्यादा कुछ इलाके में ही कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा पाई जाती है। उन कंट्रीज़ के नाम है ब्राज़ील,
कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो दोस्तों हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर ली, अब हम देखेंगे हाई रेट्स ऑफ क्लासिफिकेशन या ग्रुप्स। तो कुछ बायोलॉजिस्ट थे जैसे कि अर्नेस्ट हैकल 1894, रॉबर्ट विटिकर 1959 एंड कार्ल उज 1977। इन सभी ने क्लासिफिकेशन के लिए अपनी तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विटिकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमलिया पांच ग्रुप्स बनाया। ये जो ग्रुप्स थे सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहे थे। जबकि कार्लोज ने मुनरा को दो और पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया या आर्किया और यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया को उन्होंने केवल बैक्टीरिया भी बोल दिया। बाद में जब क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाया गया, बहुत सारे लेवल्स पे सब ग्रुप्स बनाए गए, तो फिर आया किंगडम, हाईएस्ट कैटेगरी बनी। उसके बाद फाइलम एनिमल्स के लिए और डिवीजन प्लांट्स के लिए, मतलब दोनों फाइलम डिवीजन एक ही लेवल के हैं। एनिमल्स के लिए हम फाइलम मोड का यूज़ करते हैं और प्लांट्स के लिए डिवीजन मोड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और लास्ट में स्पीसीज। स्पीसीज में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स देखते हैं। स्पीसीज सबसे बड़ी, सबसे छोटी यूनिट होती है, लेकिन स्पीसीज का अपना रियल एग्जिस्टेंस होता है। केवल स्पीसीज ही होती है जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व होता है, बाकी सभी तो ग्रुप से मिलके बने होते हैं। जब ग्रुप ऑफ स्पीसीज बनता है तो उसे जीनस कहते हैं, फिर जीनस के का एक ग्रुप बनता है तो उसे फैमिली कहते हैं, फैमिली का एक ग्रुप बनता है तो ऑर्डर बन जाता है, ऑर्डर इसी तरह से कॉमन कैरेक्टर लेके जुड़ जाते हैं तो क्लास बनता है, क्लास से फिर ग्रुप बन के डिवीजन बनता है, और लास्ट में सबसे बड़ा जो किंगडम है वह लास्ट में जो ग्रेटेस्ट है वह किंगडम बनता है। किंगडम में आपको मिनिमम कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं। जब हम हायरार्की में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो उनको इस छोटे से छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पहुंचते हैं जो कि क्या है, स्पीसीज। मैंने आपको पहले ही बताया स्पीसीज जो होते हैं, स्पीसीज में वे ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो एक दूसरे से इतने सिमिलर हों कि वे एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकें और जीन एक्सचेंज करने में सक्षम हों। अगर हम म्यूट करके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं तो उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हैं। पहले मोनेरा को देखा जाता है, मोनेरा के अंदर आपको एक डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म शामिल हैं वे मोस्टली प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उन्हें ही कहा जाता है जिन ऑर्गेनिज्म्स के सेल में डिफाइंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, उनका डीएनए पूरे सेल में फैला हुआ होता है, उनके डीएनए को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वे बहुत सारी विभिन्नताएं इनके अंदर देखने को मिलती है, इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स के आधार पर। कुछ के पास सेल वॉल होती है तो कुछ के पास नहीं होती है। सेल वॉल होने का और ना होने का इनके बॉडी डिजाइन और इनके एग्जिस्टेंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कुछ अपना भोजन खुद बना पाते हैं, कुछ मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। इस ग्रुप में आपको बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जैसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। किंगडम मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि मोर्स हार्श हैबिटेट को भी झेल सकते हैं, मतलब उन जगहों पे भी पाए जा सकते हैं इनके ऑर्गेनिज्म जहाँ पे किसी का भी रह पाना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि साल्ट लेक्स,
इनमें आपको थर्मो एसिडोफाइल्स देखने को मिलते हैं जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर और एसिडिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्हें हम 2 pH जैसे एसिडिक लेवल पे भी वे जिंदा रह सकते हैं, वे आग में भी जिंदा रह सकते हैं। वोल्केनोज समुद्र के बॉटम में भी जिंदा रहने की क्षमता होती है और एक आइस के ग्लेशियर में भी जिंदा रहने की क्षमता होती है, क्योंकि इनका जो सेलवाल होता है वह बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से बना होता है। तो आप यहाँ फिगर देख रहे हैं बैक्टीरिया का, आप बैक्टीरिया के ऊपर देख रहे हैं सेलवाल, फ्लैजला है मूवमेंट करने के लिए और ढेर सारे सिलिया हैं। दूसरा फिगर है इनाबिना का, इनाबिना एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होता है। यहाँ पे आपको हेट्रोसिस्ट देखने को मिल रहा है, हेट्रोसिस्ट ही इसमें नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है इसकी। अब हम दूसरा ग्रुप देखेंगे प्रोटिस्टा, इस ग्रुप में बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन हो, सभी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हो सेल के अंदर और इन्वेलप्ड हो, उन सभी उन ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक कहा जाता है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले, उनके पास अपेंडिसेस होता है, मतलब मूवमेंट की क्षमता होती है, मूवमेंट के लिए कुछ कुछ ऑर्गन होते हैं जैसे कि हेयर लाइक सिलिया या व्हिप लाइक फ्लैजला होती है जिसकी मदद से वे आसपास अपने मूव कर सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। एग्जांपल जो हैं यूनिसेलुलर एल्गी, डाइएटम्स और प्रोटोजोआ हैं। यहाँ आप फिगर देख रहे हैं पैरामिसियम का, जो एक प्रोटिस्टा है, इसकी बॉडी पे आप देख रहे हैं कि ढेर सारे सिलिया हैं, न्यूमरस सिलिया, जिसकी मदद से हम मूव करता है। बॉडी के अंदर वाटर वैक्यूल है, माइक्रोन्यूक्लियस है और माइक्रोन्यूक्लियस है, ओरल ग्रूव है जहाँ से अपने खाने को अंदर ले जाते हैं, काइटोसोम है वह माउथ का ही एक पार्ट है, फूड वैक्यूल है और साइटोपेज है जिसे साइटोपेज की मदद से ही अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, वेस्ट को बॉडी से बाहर ट्रांसफर करते हैं। दूसरा फिगर अमीबा है, अमीबा को अमीबॉइड प्रोटोजोन कहा जाता है और पैरामिसियम को सिलेटेड प्रोटोजोन भी कहा जाता है। अमीबा में आप देख रहे हैं कि एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे, फूड वैक्यूल है, सूडोपोडिया है जिसकी मदद से मूवमेंट करता है और शिकार को पकड़ता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिससे अपने बॉडी के वेस्ट को बाहर फेंकते हैं। अब यहाँ पे फिगर है यूग्लिना का, तो यूग्लिना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोवन है, प्रोटिस्टा है, क्योंकि यूग्लिना प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक लिंक बनाता है। यूग्लिना के बॉडी में क्लोरोफिल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तभी ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं, और जब लाइट नहीं होता है तब ये हेटरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं, तब ये फूड बाहर से लेते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फंगाई, फंगाई हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब अपना भोजन नहीं बना पाते, इन्हें भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ये ज़्यादातर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि को फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स उन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है जो फूड के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पर निर्भर रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर के पास कैपेसिटी होती है कि वे अपने लाइफ के सर्टेन स्टेज में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ भी रह सकते हैं। इनके अंदर सेलवाल पाई जाती है जो कि टफ कॉम्प्लेक्स शुगर काइटिन से बनी होती है। इसके जो मेन एग्जांपल हैं वह ईस्ट और मशरूम्स हैं। ईस्ट के यूज़ के बारे में आप जानते ही होंगे, फर्मेंटेशन में यूज होता है। मशरूम की कुछ ऐसी भी प्रजातियाँ हैं जिनका खाने में इस्तेमाल होती हैं। कुछ फंगाई परमानेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती हैं ग्रीन एल्गी के साथ या साइनोबैक्टीरिया के साथ, इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है।
ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिल करके, यह मतलब एल्गी के साथ मिल करके लाइकन को बनाते हैं। आप सभी ने बहुत बड़े बड़े कलर पैचेस देखे होंगे ट्रीज के बार्क पे, उन्हें ही लाइकन कहा जाता है। पंगाई के जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, स्पर्जिलस, पेनिसिलियम, पेंसिलिन बनाता है। पेनिसिलियम के ऊपर आप ये छोटे छोटे देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इन्हें कॉनिडिया कहा जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। और तीसरा एग्जांपल है एगेरिकस। अभी मैं आपको ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, तो आप इतना ही अच्छे से प्रिपेयर करिए, इतने को अच्छे से जानिए, क्योंकि जब आप 11th अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप मेरा द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का लेक्चर देखिए, वहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स डिटेल में मिलेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। क्योंकि अभी आपकी जो NCERT बुक में जितना दिया गया, मैं उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। उससे अधिक के लिए आप मेरा 11th का वीडियो देखिए। अब हम देखेंगे किंगडम प्लांटी। प्लांटी में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और सब में सेलवाल पाई जाती है। सभी में सेलवाल होती है और सभी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनके बॉडी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए सभी प्लांट्स को इसी ग्रुप में शामिल किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये ज़्यादा दिखने वाले फॉर्म्स हैं, जो कि हमारे आसपास की डायवर्सिटी वहाँ पे हम ज़्यादा किसे देखते हैं, प्लांट और एनिमल्स को ही देखते हैं। फिगर आया कि हम बाकी बची हुई सब कैटेगरीज को बाद में देखेंगे जो प्लांट्स की हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं प्लांट्स में जो कुछ सब कैटेगरीज हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आपको क्लास 11th में इनके बारे में पढ़ना है, हो सकता है क्लास 9th के साइड बुक्स में भी कुछ चीज़ें इनके बारे में दी गई हैं। अब हम बात करेंगे एनिमलिया। इनमें सभी ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं और उनमें जिनके अंदर सेलवाल नहीं पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स आर हेटरोट्रॉफ, ज़्यादातर हेटरोट्रॉफ होते हैं, और हम अगले सेक्शन में इनके अब सब ग्रुप्स को देखेंगे। अब देखिए ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुआ, प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर रहे और उन्होंने किंगडम उमरा बनाया। दूसरी साइड यूकैरियोट्स आए, यूकैरियोट्स में जो यूनिसेलुलर थे उन्होंने प्रोटिस्टा बनाया। प्रोटिस्टा और जो मल्टीसेलुलर होते और सेलवाल के साथ थे, वे दो पार्ट में डिवाइड हुए, फंगाई और प्लांटी। फंगाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जबकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, और जिनके अंदर सेलवाल नहीं थी वे क्या हुए, किंगडम एनिमलिया में आ गए। चलिए प्लांट के बाकी पोर्शंस को भी यहाँ पे दिया गया है, तो हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहला यहाँ पे है प्लांट का, वह क्या है, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा में वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन देखने को नहीं मिलती, और ये प्लांट्स जो होते हैं, इस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कॉमनली एल्गी कहा जाता है। देखने में प्लांट लाइक होते हैं, इनके पास थाइलस स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट्स ऐसे हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक हैं, मतलब हमेशा पानी में ही, जलीय बॉडी में ही पाए जाते हैं, वाटर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसका जो एग्जांपल है स्पायरोगायरा, हिलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड कारा। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, NCERT के एग्जांपल को आप अच्छे से याद रखिए। आप जब क्लास 11th में जाओगे तो भी आपको यही सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, तो अगर आपको पहले से याद है तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए हमेशा वाटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मेल गैमेट्स होते हैं वे वाटर के थ्रू फ्लो करके फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी है वह कॉमनली स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है, जबकि हम इनकी बॉडी में कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं देखते हैं। वाटर के कंडक्शन और दूसरे सबस्टेंसेज को ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेशल टिश्यू देखने को नहीं मिलता। इसके जो एग्जांपल्स हैं मॉस को फिनेरिया भी कहते हैं एंड मार्केंटिया। क्लास 11th में आपको मार्केंटिया के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा।
यह फिगर में आप देख रहे हैं रिस्किया, मार्केंटिया, फ्यूनेरिया, ये क्या है, कॉमन ब्रायोफाइट्स हैं। नेक्स्ट है टेडोफाइटा। टेडोफाइटा में जो प्लांट बॉडी है वह रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट हो चुकी होती है और यहाँ पे वाटर और दूसरे सब्सटेंस के कंडक्शन के लिए टिश्यूज भी पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मार्सिएला, फर्न एंड हॉर्स टेल्स, फिगर 7.7 में देख सकते हैं। द थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स हैव नेकेड एम्ब्रायोस दैट आर कॉल्ड स्पोर्स। इनका जो एम्ब्रायो होता है उस पर कोई कवरिंग नहीं होती है, कोई अलग से मेम्ब्रेन कवर नहीं बना होता है और उन्हें स्पोर कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है इन सभी ग्रुप्स में वह इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, इसलिए उसे क्रिप्टोगैमा कहा जाता है। आर दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या ऐसे भी होते हैं क्रिप्टोगैमा का मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वे छिपे होते हैं, वे दिखते नहीं। नेक्स्ट है, हाँ अभी हमें इसके बारे में थोड़ा देखना है। दूसरी तरफ जो वे वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं वे सीड्स बनाती हैं और उन्हें फेंड्रोगैम्स कहते हैं। जो वेल डेवलप नहीं है उन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं और जो वेल डेवलप्ड हैं जिनमें सीड बनता है उन्हें फेंड्रोगैम्स कहते हैं। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के परिणाम ही हैं कि सीड बनते हैं, बाद में फिर वो रिप्रोडक्शन में अपनी भूमिका निभाते हैं, उनकी मदद से रिप्रोडक्शन प्रोसेस आगे चलता रहता है। सीड्स के अंदर आपको एम्ब्रायो देखने को मिलेगा जिसके साथ स्पोर्स फूड होगा और वह जो स्टोर्ड फूड होगा वही उस प्लांट के इनिशियल ग्रोथ में एम्ब्रायो को जर्मिनेट करने में मदद करेगा। स्पिंडोगैमस ग्रुप को हम आगे क्लासिफाइड करेंगे कि सीड्स क्या है, नेकेड है या फ्रूट के अंदर बंद है। इस बेसिस पे इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म टर्म जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है कि जब नेकेड सीड होता है तो उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इस ग्रुप के जो प्लांट होते हैं उन पे नेकेड सीड होता है, यूजुअली पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं एंड वुडी। पेरिनियल मतलब होता है जो कि वन सीजनल होता है और बाइनियल मतलब होता है कि जो टू सीजनल होता है। एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं और वुडी लकड़ी भी देखने को मिली है। एग्जांपल जो हैं वे पाइंस हैं, देवदार हैं। एग्जाम्पल्स आर पाइंस एंड देवदार, एग्जाम्पल आप ज़रूर याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म दो शब्द से बना है, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड, तो जिन प्लांट्स में आपको कवर्ड सीड देखने को मिलती है उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। सीड्स एक ऑर्गन के अंदर डेवलप होता है जो कि एक मॉडिफाइड फ्रूट के रूप में बन जाता है और उस फ्रूट के अंदर सीड्स पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि प्लांट एम्ब्रायो जिन सीड्स है स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलेडन। सीड्स स्ट्रक्चर के अंदर जो प्लांट एम्ब्रायो होता है उन्हें कॉटिलेडन कहा जाता है। कॉटिलेडन्स आर आल्सो कॉल्ड सीड लिप्स, कॉटिलेडन्स को सीड लिप्स कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे परिस्थितियों में वही कॉटिलेडन्स बाहर निकलते हैं और हरे होकर के सीड को जर्मिनेट करा देते हैं, इसलिए कॉटिलेडन एक प्री डिजाइन प्लांट के रूप में एक सीड के अंदर उपस्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म को नंबर ऑफ कॉटिलेडन के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोकॉटिलेडन डाइकॉटिलेडन। जिन प्लांट के सीड्स के अंदर केवल एक कॉटिलेडन पाया जाता है उसे मोनोकॉटिलेडन कहते हैं और जहां पे दो कॉटिलेडन होते हैं उन्हें डाइकॉटिलेडन कहा जाता है। मोनोकॉट्स का एग्जांपल दिया है पैफियोपेडिलम और डाइकॉट्स का दिया है इपोमोइया, तो इस एग्जांपल को आप जरूर याद करिएगा, यह वेरी वेरी आईएमपी होता है, बहुत एग्जाम के बेसिस अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्रायोफाइटा जो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, मैंने खुद क्लास 9th में इस क्वेश्चन को फेस किया है। अब प्लांट्स को के लिए भी आपको एक टेबल दोबारा दे दिया है, हम फिर से देख लेते हैं ताकि आपका आपने जो भी देखा हो मेमोराइज हो जाए दोबारा।
डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जिनके अंदर डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती, मतलब प्लांट रूट स्टेम लीफ इन सभी चीज़ों में नहीं डिवाइड होता है, उन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। जिनमें डिफ्रेंशिएटेड प्लांट होती है मतलब रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होता है, तो अब उनमें भी दो कंडीशन आती है, जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू होता है वे अलग ग्रुप बनाते हैं, और जिनके अंदर नहीं होता है वे ब्रायोफाइटा बनाते हैं। जिनके अंदर होता है वहाँ पे जो प्रोड्यूस सीड करते हैं वे टेडोफाइटा कहलाते हैं, और जो वैस्कुलर टिश्यू वाले प्लांट प्रोड्यूस सीड करते हैं उन्हें फेनरोगैम कहते हैं, और जो सीड्स को नहीं प्रोड्यूस करते हैं उन्हें टेडोफाइटा कहते हैं। जो सीड्स नेकड होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और जो सीड्स फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म में जिनके पास सीड्स के अंदर दो कॉटिलेडन होता है उन्हें डाइकॉट्स कहते हैं, और जिनके पास सीड के अंदर एक कॉटिलेडन होता है उन्हें मोनोकॉटिलेडन्स कहा जाता है। तो यही यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम ख़त्म हुआ, और हम अब किंगडम एनिमलिया की ओर बढ़ेंगे। तो किंगडम एनिमलिया में वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफिक होते हैं। सेल में सेलवाल देखने को नहीं मिलती है, ज़्यादातर मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, और इनको ज़्यादातर इनके बॉडी डिज़ाइन और इन सब चीज़ों को देख करके ही क्लासिफाई किया गया है एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म को। तो पहला हम फाइलम देखेंगे पोरीफेरा। वर्ड पोरीफेरा का मतलब होता है वे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी पे पोर हो, पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म को ही पोरीफेरा कहा जाता है। तो पोरीफेरा का फिगर यहाँ देख रहे हैं, इनकी बॉडी में देख रहे हैं छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल साइकॉन का दे रखा है। दीज आर होल्स आर पोर्स आर अवर बॉडी विच लूप टू अ कनाल सिस्टम विच हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से पानी वाटर एंट्री करता है, उन पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है। अंदर एक कैविटी होती है, अंदर जिस कैविटी में वाटर एंटर पहुँचता है उसे स्पॉन्जोसिल कहा जाता है। यह क्लास 11th में है लेकिन मैं आपको बताता हूँ फिर भी। और ये आप आगे ऊपर साइड एक ओपन और स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसे ऑस्कुलम कहा जाता है। तो वाटर यहाँ ऑस्टिया से एंटर करता है, स्पॉन्जोसिल में जाता है, वाटर के थ्रू फूड पार्टिकल्स पहुँचते हैं, उसे फूड मिलता है, गैस एक्सचेंज में मदद करता है और एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे बाहर से एक हार्ड लेयर से ढके होते हैं जो कि एक एग्जोस्केलेटन होता है। इनका जो एग्जोस्केलेटन होता है वह स्पाइकुल्स या स्पॉन्ज फाइबर से बना होता है। इनका जो बॉडी होता है बहुत ही उसमें कम डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है, और छोटे बस केवल टिश्यूज तक डिफरेंशिएशन होता है। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनकी बॉडी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इन्हें कॉमनली स्पॉन्ज कहा जाता है, और ये ज़्यादातर मेराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वह यूप्लेक्टेला, साइकॉन, स्पॉन्जिला, तीन एग्जाम्पल आपको दिया है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिलेंटेरेटा एंड या नाइडेरिया। ये एनिमल्स भी वाटर में पाए जाते हैं। इनका जो इनकी में जो बॉडी डिजाइनेशन होती है, डिफ्रेंशिएशन होती है, वह पहले से ज़्यादा डेवलप्ड होती है, क्योंकि अब यहाँ पे होता है कि अब ऑर्गेनिज्म का विकास लगातार हो रहा है, समय के साथ नए नए ऑर्गेनिज्म्स आ रहे हैं। तो पहले बोरी फिर आया, फिर उनमें थोड़ा चेंजेज आए इवोल्यूशन हुआ तो सिलेंटेरेटा आया। इनकी बॉडी में जो सिलेंटेरेटा होती है इनकी बॉडी में दो कैविटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है, और इनकी बॉडी दो लेयर के सेल से बनी होती है। पहला लेयर बाहरी परत को बनाता है और दूसरा इनर की अंदर की लाइनिंग को बनाता है। इनकी बॉडी में आपको टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे, नेमाटोकाइट सेल्स पाई जाती हैं जो कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उसकी मदद से शिकार कर सकते हैं, खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, और एंकोरेज मतलब जिस तरह से नाव वाले लंगर डाल के इधर रुक जाते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म भी लंगर अपने नेमाटोकाइट्स टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके लंगर की तरह लगा करके एक जगह पे स्टेबल रुक पाते हैं। इनमें से कुछ स्पीशीज जो होती हैं वह कॉलोनीज बना के रहती हैं जैसे कि कोरल, जबकि दूसरे अकेले भी रहते हैं। उनमें कौन है,
हाइड्रा है। जेली फिश एंड सी एनीमोन आर कॉमन एग्जांपल्स। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वह जेली फिश और सी एनीमोन है और हाइड्रा भी है। तो हम तीसरा देख रहे हैं लेटीहेलमिंथिस। लेटीहेलमिंथिस में जो एनिमल्स की बॉडी है अब पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड हो चुकी है। बॉडी जो है बायलेटरी सिमेट्रिकल है। अब आप सोच रहे होंगे बायलेटरी सिमेट्रिकल क्या होता है, तो जब आपने मैथ्स में भी देखा होगा वहाँ पे सिमेट्री की बात हुई है। तो बायलेटरी सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जब हम ऑर्गेनिज्म को केवल बॉडी के किसी एक ही पार्ट से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं तो उसे बायलेटरी सिमेट्रिकल कहा जाता है। क्योंकि पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, जबकि सिलेंट्रेटा में रेडियली सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। यहाँ पे थ्री लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जो कि टिश्यूज में डिवाइड हो जाती हैं और इन ऑर्गेनिज्म को ट्रिप्रोब्लास्टिक कहा जाता है। ट्रिप्रोब्लास्टिक का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडल लेयर मेसोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म होता है तो उसे ट्रिप्रोब्लास्टिक कहा जाता है। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। इसकी मदद से बाहर का बॉडी और इनर की बॉडी की लाइनिंग होती है और कुछ ऑर्गन्स भी बनते हैं। यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन देखने को मिलता है लेकिन टू इंटरनल कैविटी या सीलोम नहीं होती। अब टू इंटरनल कैविटी या सीलोम का मतलब ये होता है कि इनकी जो मेसोडर्म है वह कैविटी नहीं बनाती बल्कि एंडोडर्म कैविटी बनाती है। और जब कैविटी मेसोडर्म के द्वारा बनती है कि जो मेसोडर्म की लेयर है उसके बीच में कैविटी बने और चारों तरफ से मेसोडर्म हो तो उसे ट्रू सीलोम कहते हैं या ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वह फ्लैटेंड होती है, डॉर्सी वेंट्रली मतलब चपटी होती है। डॉर्सल और वेंट्रल का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ऊपर वाला सरफेस है, जैसे हमारी बॉडी में जो हमारा पीठ वाला सरफेस है उसे आप क्या कहोगे, डॉर्सल सरफेस कहोगे, और जो पेट वाला सरफेस है उसे क्या कहोगे, वेंट्रल सरफेस कहोगे। तो इनकी बॉडी दोनों साइड से क्या होती है, चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है, इस कारण इन्हें फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। ज़्यादातर जो कुछ इसके एग्जांपल हैं फ्री लिविंग के वे क्या हैं, प्लेनेरिया, और पैरासिटिक क्या हैं, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक दूसरे के बॉडी में पाए जाते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेपवर। अब है अगला नेमाटोडा। नेमाटोडा की जो बॉडी होती है ये भी बायलेटरी सिमेट्रिकल होती है और ट्रिप्रोब्लास्टिक होती है, जबकि जो बॉडी होती है इनकी सिलेंड्रिकल होती है, फ्लैटेंड नहीं होती। आपने प्लेटी एलिमेंट्स में देखा बॉडी फ्लैटेंड थी लेकिन नेमाटोडा की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। यहाँ पे भी टिश्यूज होती हैं लेकिन रियल ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलता है। जो बॉडी कैविटी क्या होती है वह थोड़ा बॉडी कैविटी देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे सीडोसीलोम देखने को मिलता है, मतलब जो बॉडी की कैविटी होती है वह पूरी तरह से मेसोडर्म से तो नहीं घिरी होती है लेकिन उसमें मेसोडर्म के पाउचेस देखने को मिलते हैं। अगर आप क्लास 11 का एनिमल किंगडम वीडियो खोल के देखेंगे तो आपको ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो आप इसे इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद कोशिश करिएगा कि क्लास 11 का वीडियो एक बार ज़रूर देखें। ये जो वर्म्स होते हैं बहुत ही फेमिलियर होते हैं क्योंकि ये पैरासिटिक वर्म्स होते हैं, हमारे अंदर रह करके बीमारी क्रिएट करते हैं। जैसे कि काफ़ी फेमस डिजीज है एलिफेंटियासिस, जो कि बुचेरिया ब्रोंकोप्टिस से होता है और उसे फाइलेरिया वर्म भी कहा जाता है। ये वर्म्स कुछ और वर्म्स हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, राउंड वर्म और पिन वर्म। यहाँ आप फिगर देख रहे हैं एस्केरिस का, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, और बुचेरिया का देख रहे हैं जो कि फाइलेरिया वर्म जिसे कहा जाता है, जो एलिफेंटियासिस डिजीज को कॉज करती है। नेमाटोड्स को एस्केल्मिंथिस भी कहा जाता है। अभी आपको नेमाटोड्स दिया गया है, क्लास 11th में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे एस्केल्मिंथिस पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है एनलिडा। जो एनिमल्स होते हैं एनलिडा के बायलेटरी सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और यहाँ पे आपको ट्रू बॉडी कैविटी देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होती है वह मेसोडर्म से घिरी हुई होती है, वो चारों तरफ से मेसोडर्म की लाइनिंग पाई जाती है। यहाँ पे ट्रू ऑर्गन्स होते हैं जो कि बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर पैक होते हैं। ऑर्गन का डिफरेंशिएशन काफ़ी
लिप हद तक अब पहले से बेटर हो चुका होता है। इनके अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, मतलब बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है और वह सेगमेंट बाहर और अंदर दोनों तरफ से पाया जाता है। सर से लेकर पैर तक आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों होते हैं, साथ ही लैंड में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जो हैं अर्थवर्म और लीचेस, ये हमारे लिए फेमिलियर हैं। नेरिस, नेरिस में आप देख रहे हैं पैरापोडिया, और पैरापोडिया नेरिस क्या है, एक एक्वेटिक जलीय है, पानी के अंदर पाया जाता है, तो पैरापोडिया उसे तैरने में मदद करता है, स्विमिंग में मदद करता है। फिर अगले दो एग्जाम्पल हैं अर्थवर्म और लीच। नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। अर्थ पे पाए जाने वाले सभी इंसेक्ट, इसमें मोस्टली इंसेक्ट शामिल होते हैं, 2/3 आर्थ्रोपोडा में ही पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में बायोलेट्री साइमेट्री देखने को मिलेगा और सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, मतलब इनकी बॉडी सेगमेंट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हुए दिखेगी। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन होता है, मतलब कि ब्लड एक वेल डेवलप्ड कैपिलरीज और आर्टरीज में नहीं फ्लो करती, बल्कि हार्ट से निकलने के बाद सभी सेल टिश्यूज और ऑर्गन्स को डुबोती हुई चली जाती है और सब उसमें से अपना ऑक्सीजन ले लेते हैं। इनका जो सीलोम की कैविटी होती है वह ब्लड से भरी होती है। इनके बॉडी में ज्वाइंट लेग्स देखने को मिलेंगे। जो आर्थोपोडा होता है, आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेस, अपेंडिजेस का मतलब होता है कि वे चीज़ें जो मूवमेंट के लिए आपकी बॉडी में बनी हैं, तो ज्वाइंट अपेंडिजेज या ज्वाइंट लेग्स देखने को मिलती हैं। कुछ जो फैमिलियर एग्जाम्पल्स हैं प्रॉन्स, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एंड क्रैब्स। फिगर में आप देख रहे हैं पैलामोन को प्रॉन कहा जाता है, पैलामनेशियस नेइस को स्कॉर्पियन, एरेनिया को स्पाइडर, मस्का को हाउस फ्लाई, स्कोलोपेंड्रा को सेंटीपीड, पेरीप्लेनेटा को कॉकरोच। तो एग्जाम्पल्स वेरी वेरी आईएमपी, ये आपके एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखिए। मोलस्का, इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं वह बायोलेट्री साइमेट्रिकल होते हैं। अब यहाँ पे सिल्मिक कैविटी पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, सेगमेंटेशन भी इनके बॉडी में कम ही होता है, इनके भी बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और किडनी लाइक एक ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए। देयर इज अ फुट, इनके बॉडी में फुट होता है जिससे ये मूव करते हैं। फुट के ऊपर एक मस्कुलर विसरल हंप होता है और फिर उसके ऊपर एक कैविटी होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। जो इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं स्नेल्स और मुसल्स हैं। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं यूनियो पाइला, पाइला को एप्पल स्नेल कहते हैं, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा, ग्रीक में इकाइनोस का मतलब होता है हेज हॉग एंड डर्मा का मतलब होता है स्किन। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है वे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे स्पाइंस देखने को मिलती है, स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म सर कॉल्ड इकाइनोडर्मेट। स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म है, स्किन पे स्पाइंस कांटे जैसे उभार देखने को मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली मेराइन और फ्री लिविंग होते हैं, मतलब ये केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं और बाकी कहीं पर देखने को नहीं मिलते हैं। ट्यूप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिल्मिक कैविटी पाई जाती है। इनके पास एक खास वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम होता है जिसकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, मतलब बॉडी के इनके वेंट्रल साइड पे माउथ होता है और डॉर्सल साइड पे एनस होता है। माउथ से वाटर एंट्री करता है और एनस से बाहर निकलता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है और उससे मूवमेंट करते हैं। इनके बॉडी में हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है जिसे स्केलेटन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं स्टार फिश और सी अर्चिन्स हैं। फिगर में आप देख रहे हैं इकाइनस, सी अर्चिन, एस्टेरियास, स्टार फिश, होलोथ्यूरिया, सी कुकुम्बर और एंटीडॉन फेदर स्टार। नेक्स्ट फाइलम है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में जो एनिमल्स हमें भी बायोलेट्री साइमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रूसिलियम देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक नए लक्षण या डिजाइन को शो करते हैं जिसका नाम है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड यह इनकी बॉडी में कुछ ही स्टेट तक देखने को मिलता है, मतलब जब
एक डॉर्सल रॉड इनकी बॉडी में बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, तो उसे ही नोटोकॉर्ड कहा जाता है। नोटोकॉर्ड एक लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सपोर्ट का काम करती है। वह इनके पूरे पीठ में पिछले हिस्से में होती है जो एनिमल को के नर्वस टिश्यू को उनके गट से अलग रखने का काम करती है। मतलब नर्वस टिश्यू नोटोकॉर्ड से निकल जाएगा और उसके नीचे उनका गट होगा। नोटोकॉर्ड जो होता है मसल्स को एक जगह देता है ताकि मूवमेंट आसानी से हो इनकी बॉडी में। प्रोटोकॉर्ड में जो नोटोकॉर्ड होता है इनके लाइफ के सभी स्टेज में देखने को नहीं मिलता है। प्रोटोकॉर्ड्स आर मेरान एनिमल्स, ये समुद्री होते हैं। एग्जाम्पल बैनोग्लासेस, हार्डमैनिया और एम्फिक्सिस। यहाँ फिगर देख रहे हैं, प्रोबोसिस, कॉलर, फिर बॉडी के पार्ट और ये लंबी सी पूंछ जैसी जो है वो ट्रंक है। नेक्स्ट है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी में ट्रू वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है और इंटरनल स्केल्टन भी देखने को मिलता है जो कि इन्हें काफ़ी डिफरेंट बनाती है। इनमें कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है मसल अटैचमेंट्स का। इनकी बॉडी में जगह जगह पर मसल अटैच हो जाती है जिससे मूवमेंट काफ़ी सिंपल हो जाता है। वर्टिब्रेट्स आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिल्मिक एंड सिगमेंटेड विथ कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज। यहाँ पे जो बॉडी टिश्यूज है उसका डिफ्रेंशिएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सभी कॉर्डेट्स में एक फॉलोइंग फीचर देखने को मिलता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पेयर्ड गिल पाउचेज होते हैं और सिलमेट होते हैं। वर्टिब्रेट को 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिला, एप्स, मैमल्स। पाइसिस में जो ज़्यादातर क्या होती हैं, मछलियाँ होती हैं। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, मतलब ये केवल जलीय जंतु हैं, पानी में ही पाई जाती हैं। स्किन जो होता है स्केल्स या प्लेट्स से ढका हुआ होता है। मछलियों की स्किन पे देखिए कांटे पाए जाते हैं जिन्हें खाते वक्त लोग हटा देते हैं। ये वाटर में से ही अपना ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं क्योंकि इनके अंदर गिल्स पाया जाता है और गिल्स से वाटर अंदर जाता है और उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर वाटर को बाहर निकाल देती हैं। बॉडी जो होता है स्ट्रीम लाइंड होता है ताकि ये नाव की तरह इनकी बॉडी होती है ताकि ये पानी को काट करके तैर सकें। और एक मस्कुलर टेल पाई जाती है जो कि मूवमेंट में मदद करती है। एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और उन्हें पायोकिलोथर्मस भी कहा जाता है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड होते हैं उन्हें पायोकिलोथर्मस कहा जाता है। इनकी बॉडी में हार्ट में केवल 2 चैम्बर्स होते हैं, मतलब एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ऑरिकल में ब्लड लंग से गिल्स से ऑक्सीजन आती है, फिर वेंट्रिकल से दूसरी साइड निकल जाती है। लेकिन अगर हम ह्यूमंस में देखते हैं तो हमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। ये अंडे देती हैं। फिशेज जो होती हैं बहुत प्रकार की होती हैं, उनकी बॉडी में अलग अलग स्केलेटन्स होते हैं जो कि कार्टिलेज से बने होते हैं। जैसे कि शार्क है, बहुत ही खतरनाक मछली है। कुछ में जो स्केलेटन होती है मोनो कार्टिलेज दोनों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि टूना और रोहू। अब एग्जांपल देखिए, सिनकायरोपस स्प्लेंडिडस मैंडेरिन फिश कहा जाता है, काउलोफायरिन जॉर्डेनी एंगलर फिश कहा जाता है, टेरोइस वोलिटेंस लायन फिश कहा जाता है, इलेक्ट्रिक रे टॉर्पीडो कहा जाता है। इलेक्ट्रिक रे इलेक्ट्रिक करंट से अपने शिकार को घायल करती है। स्टिंग रे, इसके पास एक भाले के समान स्ट्रक्चर होता है जो अपने शिकार में धंसा देती है फिर उससे खा लेती है। स्कोलियोडन डॉग फिश कहा जाता है। नेक्स्ट है, अभी और फिशेस हैं इन्हें भी देख लेते हैं। लेवियो रोहिता रोहू, मेल हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहा जाता है। यह हॉर्स नहीं होता बल्कि एक फिश होती है। इग्जोकोइटस फ्लाइंग फिश, इनाबास क्लाइंबिक पर्च। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप अच्छे से याद करिए। देखिए आप ये मत सोचिए कि एग्जाम्पल्स आप बाद में याद करेंगे बैठ करके, आप ये लेक्चर को सुन रहे हैं और इसी दौरान याद कर लीजिए क्योंकि बाद में एग्जाम्पल्स याद नहीं होते हैं, आदमी भूल जाता है।
और लेक्चर के दौरान अगर आप सुनेंगे, मन लगा के सुनेंगे, तो आपको ज़रूर याद होगा। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्लास एम्फीबिया। इनमें वे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके बॉडी पे स्केल्स नहीं होती हैं, जबकि इनके बॉडी पे एक म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो कि इन्हें कंटिन्यू मॉइस्ट प्रदान करती है। हार्ट जो होता है 3-chambered होता है। रिस्पिरेशन या तो गिल्स या लंग्स दोनों से हो सकता है। अंडे देने वाले एनिमल्स हैं, मतलब ओविपेरस हैं। ये वाटर और लैंड दोनों जगहों में पाए जाते हैं। एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब होता है एम्फी मतलब डुअर और बिया मतलब बायोस लाइफ। जो डुअर लाइफ जी सकते हैं उन्हें ही एम्फीबिया कहा जाता है। तो ये लैंड और वाटर दोनों जगहों पर रह सकते हैं। एग्जांपल है फ्रॉक्स, टोट्स, सेलेमेंडर्स। फिगर में देखिए हाइला, ट्री फ्रॉग, राना टाइग्रेरिया, कॉमन फ्रॉग। अब आ गए रेप्टिला। रेप्टिला जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, पायोकिलोथर्मस होते हैं। इनकी बॉडी पे स्केल्स होती हैं लेकिन वे फिशेस की तरह नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप की होती हैं। इनमें जो ब्रीथ होता है वह लंग्स के द्वारा होता है। ज़्यादातर लोगों के पास 3-chambered हार्ट होती है, जबकि क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जहाँ पे 4-chambered हार्ट देखने को मिलता है, लेकिन वह 4-chambered हार्ट ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होता है। ये जो अंडे देते हैं उनके अंडों पे टफ कवरिंग होता है और उसे अपने अंडों को वाटर में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये अपने अंडों को दे करके कहीं भी छोड़ देते हैं और वे फिर उनमें से बच्चे समय के साथ निकल आते हैं। मतलब यहाँ पे पैरेंटल केयर नहीं होता है। स्नेक्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। स्नेक्स में आपको किंग कोबरा दिखाया गया है, चेमिलियन, टर्टल, हाउस वॉल लिजार्ड को हेमीडेक्टाइलस भी कहा जाता है, फ्लाइंग लिजार्ड को ड्रैको कहा जाता है। एग्जांपल्स अच्छे से याद करिए, एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है एप्स। एप्स आर वार ब्लडेड एनिमल्स, या उन्हें आप होमियोथर्मस भी कह सकते हैं। 4-chambered हार्ट पाया जाता है, अंडे देती हैं। इनका जो फोर लिम्ब होता है वह विंग्स में मॉडिफाई हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी में जो हाथ होता है इनमें वो क्या होता है, विंग्स होता है जिसकी मदद से उड़ती हैं। इनकी बॉडी पे एक आउटर कवरिंग होती है पंखों की। दो फोर लिम्स होती हैं जिससे उड़ते हैं। ये लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। सभी बर्ड्स इस कैटेगरी में आते हैं। इनमें न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं, मतलब बोन्स के अंदर एयर भरी होती हैं ताकि इन्हें उड़ने में मदद कर सकें। कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो कि फ्लाइटलेस होती हैं, और उसका एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को उसका साइंटिफिक नेम है इश्रुथियो कैमिलस। मेल टफ्टेड डक को आइथिया फुलिगुला भी कहते हैं। वाइट स्टार को सिकोनिया कहा जाता है। पिजन का आपको नाम यहाँ साइंटिफिक नेम नहीं दिया है, पिजन स्पैरो का, ये भी एप्स हैं। नेक्स्ट है क्लास मेमेलिया। मेमेलिया वार ब्लड एनिमल्स विद 4-chambered हार्ट। मेमेलिया का सबसे बड़ा फीचर है आपको यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलेगा, बॉडी पे हेयर देखने को मिलेगा। मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है जिसे मिल्क प्रोड्यूस होता है, अपने बच्चों का नरिशमेंट करते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम पैरेंटल केयर देखने को मिलती है। स्किन में हेयर्स होती हैं और साथ ही साथ स्वीट और आयर ग्लैंड्स भी पाया जाता है। ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो उनके बारे में हम सभी जानते हैं, जबकि कुछ हैं जैसे कि प्लेटिपस एंड इकाइडना, ये अंडे देती हैं। सभी मैमल्स जो होती हैं वे विविपरस होती हैं, मतलब डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन प्लेटिपस और इकाइडना एक्सेप्शन है। ये क्या है, एग्स प्रोड्यूस करती हैं। और कुछ हैं जैसे कि कंगारू, वे बच्चों को जन्म देते हैं, बहुत ही कम डेवलप्ड होते हैं उनके बच्चे, और उनके बॉडी में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें वो अपने बच्चों को कैरी कर सकते हैं। जब भी बच्चों उन्हें समझ में आता है कि हमारे बच्चों को खतरा है तो अपने बच्चों को लेकर के भाग जाते हैं। एग्जांपल्स जो दिए गए हैं व्हेल, रैट, ह्यूमन, कैट, बैट। यहाँ आपको कैरलोस लिनियस के बारे में बताया गया है। इनका नाम कार्बन लिनी भी था। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे। प्लांट्स के स्टडी में इनका काफ़ी मन लगता था। 22 ईयर के थे। इन्होंने
अपना पहला पेपर लिखा प्लांट्स के बारे में, जबकि एक फिजिशियन के रूप में काफ़ी अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते थे। बाद में उन्होंने 14 पेपर्स दिए और एक बुक दिया जिसका नाम था फेमस बुक सिस्टम ऑफ नेचर, जहाँ से सभी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की शुरुआत हुई। इन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया, मतलब दो नामों वाला एक सिस्टम दिया। आपको साइड बुक में बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए मिलेगा, एनसीईआरटी में तो फिलहाल नहीं दिया है। दोस्तों यहाँ पे एनिमल्स का एक चार्ट दिया है, उसे मैं आप लोग को समझाता हूँ। एनिमल्स पहले दो पार्ट में डिवाइड हुए, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में पाया जाता है। टिश्यू लेवल में जब आए तो फिर तीन पार्ट में डिवाइड हुए। पहला जो था नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, जब एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती थी। एग्जाम्पल कौन थे, सिलेंड्रेटा एंड पेटीहेलमिंथिस। जहाँ पे सीडोसिलोम पाया गया उन्हें नेमाटोडा कहा गया, और जहाँ पे ट्रू सिलोम पाया गया मतलब एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में भी एक कैविटी पाई गई, उसे सिलमेट कहा गया। फिर जब सिलमेट के आगे हम बढ़े तो मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो, जब मेसोडर्मल सेल थी वो सिंगल सेल से शुरुआत करी थी एम्ब्रायो की ग्रोथ के दौरान, तो उन्हें एनलिडा मोलस्का और आर्थ्रोपोडा बोला गया। और जिनमें सिलोम फॉर्म फ्रॉम पाउचेज पेंच ऑफ फ्रॉम द एंड्रायो, और जहाँ पे सिलोम जो था वह पाउचेज से बना हुआ था जिसमें कुछ एंडोडर्म भी था। तो फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, नो नोटोकार्ड और नोटोकार्ड प्रेजेंट। जिनमें नोटोकार्ड नहीं था उन्हें इकानोडर्मेटा बोला, जिनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट था उन्हें कॉर्डेटा बोला। कॉर्डेटा भी फिर टू पार्ट में डिवाइड हो गया। जिन कॉर्डेट्स में नोटोकार्ड केवल लार्वल स्टेज तक पाया जाता था और बाद में नहीं पाया जाता था उन्हें प्रोटोकार्डेटा बोला गया। और जिनमें नोटोकार्ड जो था वह वर्टिब्रा कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता था एडल्टहुड में, उन्हें वर्टिब्रेटा कहा गया। वर्टिब्रेटा में एक जो स्केल्टन ऑफ स्केल्स, इंडो स्केल्टन ऑफ बोन या कार्टिलेज ब्रीजिंग थ्रू लंग्स जिनमें होता था उन्हें पाइसेस कहा गया। जिनमें लार्वा में गिल्स पाए जाते थे, एडल्ट्स में मोस्टली लंग्स पाए जाते थे और स्लाइमी स्किन पाई जाती थी, उन्हें एम्फीबिया कहा गया। जिनमें एक्सो स्केल्टन जो थी वह स्केल्स की बनी थी, अंडे देते थे पानी के बाहर, उन्हें रिप्टिला कहा गया। जब एक जो स्केल्टन पंखों का बना हो, अंडे देते हों, पानी के बाहर उड़ते हों, मतलब जिनमें उड़ना पॉसिबल था उन्हें एप्स बोला गया। और लास्ट में मेमेलिया आ गया, जिनमें हेयर का एक जो स्केल्टन होता है, एक्सटर्नल ईयर होता है, ज़्यादातर बच्चों को जन्म देते हैं, वे मेमेलिया होंगे। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में अभी हम आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बता देते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक एक साइंटिफिक नेम देने का सिस्टम होता है उसे ही नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करोसलेनियस ने की, इन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया, जहाँ पे क्योंकि हर जो ऑर्गेनिज्म है उसके लोकल नेम जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम आलू को लेते हैं, यहाँ पे आलू कहा जाता है जबकि मुंबई में बटाटा कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नाम दें जो कि पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए। तो आलू का नाम होता है पाइसम सैटिवम, नहीं सोलिनम ट्यूबरोसम, पाइसम सैटिवम मटर का होता है पी का, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में कार्लोस लिनियस ने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, पहला जीनस, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। सभी ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में उनके साइंटिफिक नेम से ही जाना जाता है। अब इसके कुछ सिस्टम थे लिखने के, हमेशा जो नेम होता है वह जीनस जो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और स्पीसीज को हमेशा हम स्मॉल लेटर लिखते हैं। अगर हम उसे प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में प्रिंटिंग किया जाता है, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो नेम को लिखने के बाद अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो हमने आपको बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बता दिया और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम समझ आती है, कहीं पर कुछ नहीं समझ आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके पूछें। और कमेंट बॉक्स में आप अगर पूछेंगे तो मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।